2000 से स्टार्ट होता है और 1.5 लाख तक जाता है। मोबाइल का स्टॉक यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग का हर सीरीज आपको मिलने जा रहा है, भर भर कर आपको गिफ्ट मिल रहा है। जितने भी शोरूम है सैमसंग का, उससे कैसे आप देने वाले हैं, उससे ज्यादा कम कैसे देने वाले हैं? उससे ज्यादा ही सर्विस में दूंगा, बेटर सर्विस देने का मैं। का जो वाटर प्रूफ है, पानी में भिंगा देते हैं आपके सामने, कुछ नहीं होना इसको, खराब कर दीजिएगा ये वाटर, कुछ नहीं होना है इसको, कुछ भी नहीं, इसको आप बारिश में वाटर पार्क ले जा सकते हैं, कुछ भी नहीं इसको, आराम से। EMI 16 तो है ही अपना सैमसंग का, बस ये 3 वर्ष से अभी है, और ये 15 में 3 वेरिएंट आता है, 14 में 3 वेरिएंट आता है, A05S है, F15 है, M15 है। हमारे नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं, कांटेक्ट करके आप कोई भी ब्रांड चूज करिए सैमसंग का, ठीक है, कोई भी सेट चूज कीजिए और मैं होम डिलीवरी दूंगा, वहाँ कैश और फाइनेंस दोनों उपलब्ध रहेगा आपके साथ में, स्लिप कवर रहेगा, ठीक है, और उसके बाद एक चार्जर भी है उसके साथ में और टेम्पर फ्री में। उनका ऑनर है और क्या क्या लेके आए, जैसे मोबाइल आपके पास सैमसंग का हर सीरीज है ना, इसके साथ साथ एसेसरीज में क्या क्या लेके आए? पावर बैंक है, फ्लिप कवर है, और भी चार्जर हैं, एडाप्टर हैं, सभी प्रकार के, मतलब जो भी चीज़ मोबाइल के लिए अकॉर्डिंग होता है नेसेसरी, वो चीज़ हमारे पास सब ब्रांडेड है। हाँ, सब ब्रांडेड। एक स्कैनर दिया गया है, एक स्कैनर दिया, ये काम करती है कि अगर कस्टमर के पास फोन पे या गूगल पे है तो उसके करके स्कैनर बनाकर उससे करेगा तो सिर्फ 20% ही उसका मतलब कोई डॉक्यूमेंट आना है, गिफ्ट मिलेगा, उसके बाद कस्टमर को सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं प्रोवाइड होगा, कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, चाहे कोई दूसरा मोबाइल अगर पुराना मोबाइल है उसके पास, तो वो मतलब कि लेकर नया मोबाइल भी वो अपना चार्ज ले सकते हैं। हम ये इससे बेहतर ऊपर से इसका है कि 4 जनरेशन इसका अपग्रेडेड मोबाइल, अगर कोई 4 वेरिएंट आगे तक निकलेगा, जिसे 15 है, ये 15 है, ये 20 भी आ जाएगा, फिर भी ये 15 जो अपग्रेड होगा नया वर्जन जो उसमें होगा, ये इसमें होगा। इसके लिए हमको पटना जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, या बाहर नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, यही मिलेगा, बाहर में मिलेगा, कस्टमर चाहे तो वहाँ जा सकता है, वरना दुकानदार भी ये सुविधा हम सब भी देते हैं, यहाँ भी लाकर दे देंगे तो सर्विस सेंटर से प्रोवाइड होकर यहाँ सेवा मिल जाएगा, एक साल गारंटी मिलता है सर्विस सेंटर से, बिना कोई कॉस्ट, मतलब कि कोई भी टेक्निकल फॉल्ट होता है तो इसमें कोई भी चार्ज कस्टमर से नहीं लिया जाता है, वो फ्री बनाकर दिया जाता है, और इंश्योरेंस रखेंगे तो साथ में साल में 2 बार भी फोड़ दिए तो फिर भी नया किट मिल जाएगा, एक साथ 14 दिन में, 14 दिन के अंदर सेट का गारंटी है, जो कि न्यू सेट मिलेगा, उसके बाद साल भर के टेक्निकल फॉल्ट होने के बाद साल भर के अंदर जो भी कॉस्ट सर्विस सेंटर बनाकर, सैमसंग का अपना फाइनेंस है, EMI 16 दोनों अपना फाइनेंस है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, बिना इंटरेस्ट का बस प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, बिना इंटरेस्ट का मोबाइल दिया जाता है, और जिनका जैसा सिविल रहता है उसके अनुसार 0 पर भी मिल सकता है, जैसा सिविल रहता है उसके अनुसार EMI बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं समर स्टूडियो बिहार। फिलहाल अभी मैं बाढ़ अनुमंडल के बेहना रोड में सती कॉम्प्लेक्स के अंदर खुल गया है बाढ़ का सबसे बड़ा शोरूम, सैमसंग का सबसे बड़ा शोरूम। चलिए क्या कुछ स्टॉक में लेके आया सैमसंग के लिए, क्या ऑफर होंगे, रूल रेगुलेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है EMI का, चलिए जानते हैं। चैनल में आपका स्वागत है और नया शोरूम खुल गया है, और क्या क्या स्टॉक यहाँ पे सैमसंग का लेके आए आप? यहाँ सैमसंग का सारे वैरायटी है, जैसे में ये A54 है जो वाटर रेसिस्टेंट है, AI प्रोसेसर है इसका, मतलब 45 वाट चार्जर है इसका, सपोर्टेड अटैच, बहुत वॉइस फोकस है इसमें, जो कि किसी भी भीड़ में ऑन कर देने के बाद सिर्फ आप ही का आवाज़ जाएगा अगला को, और किसी आवाज का इसमें मतलब कि अगला के पास नहीं जाएगा। अगर किसी तरह का इशू होता है, किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो कैसे एक साल 14 दिन में, 14 दिन के अंदर सेट का गारंटी है, जो कि न्यू सेट मिलेगा,
उसके बाद साल भर है जो टेक्निकल फॉल्ट होने के बाद साल भर के अंदर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर बना कर अगर किसी को लेना है ये मोबाइल तो ये कैसे परचेज कर पाएगा, क्या यहाँ का रूल रेगुलेशन होता है? सैमसंग का अपना फाइनेंस है, EMI चोला दोनों अपना फाइनेंस है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, बिना इंटरेस्ट का बस प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, बिना इंटरेस्ट का मोबाइल दिया जाता है और जिनका जैसा सिविल रहता है उसके अनुसार जीरो पर भी मिल सकता है, जैसा सिविल रहता है उसके अनुसार EMI बनता है। यहाँ पे कितने से स्टार्ट हो जाता है सैमसंग का मोबाइल? सैमसंग का स्टार्ट वही 9000 के लगभग से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे 9000 का फोन जैसे में ये हुआ, साइड फिंगरप्रिंट है, 5000-6000 एमएच बैटरी है इसका, स्नैपड्रैगन प्रोसेस है जो गेम खेलने के लिए काफी आसानी होता है। रैम 400 से स्टार्ट होता है 9000 में और जैसे जैसे रैम वेरियंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेंज बढ़ता जाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, सैमसंग के कितने सीरीज हैं यहाँ पे? लगभग 9 से 10 मॉडल हो गए। कौन कौन सा थोड़ा सा जान सकते हैं क्या? A54 हो गया, A35 हो गया, A35 में दो वेरियंट है, A25 है, A15 है और A15 में तीन वेरियंट आता है, A14 में तीन वेरियंट आता है, A05S है, F15 है, M15 है, F54 है। गारंटी ब्रांडी की बात किया जाए तो कितना कुछ दिन, कितना दिन दे एक दे साल गारंटी मिलता है सर्विस सेंटर से बिना कोई कॉस्ट, मतलब कि कोई भी टेक्निकल फॉल्ट होता है तो इसमें कोई भी चार्ज कस्टमर से नहीं लिया जाता, वो फ्री बना कर दिया जाता है और इंश्योरेंस रखेंगे तो साथ में साल में दो बार भी फोड़ दिए तो फिर भी नया सेट मिल जाएगा। अच्छा, सर्विसिंग के लिए हमको पटना जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा या बाहर में ही मिलेगा? यही मिलेगा बाहर में मिलेगा, कस्टमर चाहे तो वहाँ जा सकता है वरना दुकानदार भी ये सुविधा हम सब भी देते हैं, यहाँ भी ला कर दे देंगे तो सर्विस सेंटर से प्रोवाइड होकर यहाँ सेवा मिल जाएगा। अच्छा, ये जो सैमसंग का सीरीज का मोबाइल कितने से स्टार्ट होता है, हाई रेंज कितना तक जाता है? हाई रेंज सर जाता है लगभग 1,65,000। कौन सा मोबाइल है ये? वो फोल्ड 5, फोल्ड 6 आया, अभी नया लॉन्च किया है, फ्लिप 6 है भी है, सब अवेलेबल है इस दुकान में, ऐसा नहीं है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। अच्छा, यहाँ से जो कस्टमर देख रहे हैं उनको क्या संदेश है, क्या कहना चाहिएगा? सर यही कहेंगे हम कि इससे बेहतर ऊपर से इसका है कि 4 जनरेशन इसका अपग्रेडेड मोबाइल है, अगर कोई 4 वेरिएंट आगे तक निकलेगा जिसे ये 15 है A20 भी आ जाएगा फिर भी A15 जो अपग्रेड होगा नया वर्जन जो उसमें होगा ये इसमें होगा उपलब्ध होगा, बाकी में मिलता है 1 जनरेशन जो सिर्फ एक मॉडल लॉन्च करने के बाद पिछला मॉडल के बाद फिर उसमें अपग्रेडेड नहीं मिलता, इसमें सब क्वालिटी बेहतर है और उसके बाद रफ यूज के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि जितना रफली यूज कर सकता है इसको बच्चा हो या, और उसके बाद आप तो देखे होंगे मनीष पांडे भी न्यूज में बताया है इसका जो टच है स्क्रीन है बच्चे के लिए हानिकारक नहीं है। अगर पानी में गलती से गिर जाता है तो कैसे? वाटर असिस्टेंट है सर, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, धो के दे दिया जाएगा, यहाँ पर सामने डुबा कर बाल्टी में ले जा सकते हैं। सैमसंग का है जो वाटर प्रूफ है, पानी में भिंगा देते हैं आपके सामने, कुछ नहीं होना इसको, खराब कर दीजिएगा ये वाटर, कुछ नहीं होना है इसको, कुछ भी नहीं, इसको आप बारिश में वाटर पार्क ले जा सकते हैं, कुछ भी नहीं इसको आराम से। तो वाटर असिस्टेंट में क्या होता है, मोबाइल क्यों नहीं खराब होता है? वाटर असिस्टेंट में सर इसके अंदर ऐसा फ्रिक्वेंसी दिया रहता है जिसमें कि वाटर को अंदर जाने से रोकता है, एक लेवल तक वाटर को अंदर जाने से ये रोकता है जो कि जा ही नहीं सकता इसमें। बेटा जैसे गिफ्ट मिलेगा उसके बाद कस्टमर को सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं प्रोवाइड होगा, कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है चाहे कोई दूसरा मोबाइल अगर पुराना मोबाइल है उसके पास तो वो मतलब कि लेकर नया मोबाइल भी वो अपना चाहे ले सकते हैं, आराम से बदल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ये सारे सुविधा है वो जो सभी जगह उपलब्ध नहीं होता, बहुत जगह उपलब्ध नहीं होता, बाकी कंपनियों में नहीं लेता। अच्छा, कौन कौन सा मोबाइल है, कौन कौन गिफ्ट आप दे रहे हैं? सभी मोबाइल के साथ साथ कुछ कुछ गिफ्ट है सर, जैसे ये मोबाइल है तो इसके साथ फ्लिप कवर साथ में मिलता है। कितना तक ये फ्लिप कवर आ जाता है? फ्लिप कवर सर 2000 रुपए तक आता है। देख सकते हैं ये कितना का मोबाइल है भैया, ये 36000 का मोबाइल, इसमें मिल रहा है आपको 1500 का गिफ्ट मिल रहा है जी। देख सकते हैं कितना ये बेहतर है आपके लिए। अब भैया अगर कोई EMI है ना करना चाहेगा, उसके पास पैसा नहीं है तो कितना देना होगा? वैसे 30% उसका रहता है कि EMI का होता है कि 30% मिनिमम, मतलब कि ऐसे रेंज में लगा जाता है, और उसके सिविल बढ़िया हो तो 2%, 5%, 10%, 15% के भी मिल सकता है। और एक और सुविधा हम सब दिए हैं सैमसंग की तरफ से, एक स्कैनर दिया गया, एक स्कैनर दिया, ये काम करती है कि अगर कस्टमर के पास फोन पे या गूगल पे है तो उसके करके स्कैनर बनाकर उससे करेगा तो सिर्फ 20% ही उसका मतलब कोई डॉक्यूमेंट आना है, 20% ही आना है, 20% से नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा स्कैनर से, ऐसे नॉर्मली 30% रहता है। अगर किसी का सिविल स्कोर खराब है तो वो कैसे मैनेज? वो 50% अदर कंपनी नहीं देगा, अदर फाइनेंस रिजेक्ट करता है और सैमसंग जो है उसको 40% तक ले जाता है और उसके बाद उसे दे देता है, और उसके बाद सैमसंग जो है कि एक बार लीजिए उसके बाद सिविल भी बनाता है, उसके बाद अदर में जाने के बाद कोई ऐसा नहीं है फाइनेंस जो सिविल बनाता है,
और ये जो फाइनेंस है एक बार टाइम टू टाइम अगर कर देते हैं, बाउंस नहीं करता है एक भी, तो सिविल बेहतर करता है, जिससे कि बैंक में लोन या कहीं भी जाइए आपका सिविल बहुत बेहतर हो जाता है। सिविल बढ़ाने का लिए प्रोसेस जो कि इतने लोग बड़े लोग हैं जो शौक से लेते हैं ईएमआई पर सैमसंग का मोबाइल, ताकि मेरा सर्विस मतलब सिविल बढ़िया हो सके। अगर आप भी बाढ़ के हैं और मोबाइल चलाने के हैं शौकीन, तो आपके शहर बाढ़ में बेरना रोड में खुल गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं भर भर कर आपको गिफ्ट मिल रहा है। और स्टॉक मोबाइल का स्टॉक यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग का हर सीरीज आपको मिलने जा रहा है। 2000 से स्टार्ट होता है और 1.5 लाख तक जाता है। शोरूम का ओनर है और क्या क्या लेके आए, जैसे मोबाइल आपके पास सैमसंग का हर सीरीज है ना, उसके साथ साथ एसेसरीज में क्या क्या लेके आए? पावर बैंक है, फ्लिप कवर है, और विद चार्जर है, एडाप्टर है, सभी प्रकार के मतलब जो भी चीज मोबाइल के लिए अकॉर्डिंग एसेसरीज अकॉर्डिंग होता है नेसेसरी, वो चीज हमारे पास सब ब्रांडेड है। हाँ, सब ब्रांडेड है। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए लोकेशन क्या रहेगा कस्टमर? ये बार स्टेशन उतरना है, उसे बेरना रोड में एंट्री लेना है, बस स्टार्टिंग में बेरना चौक कहता है, जहाँ से बेरना स्टैंड हुआ मान के चलिए आएगी। वैसे हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट करके आप कोई भी ब्रांड चूज करिए सैमसंग का, ठीक है, कोई भी सेट चूज कीजिए और मैं होम डिलीवरी दूंगा, वहाँ कैश और फाइनेंस दोनों उपलब्ध रहेगा आपके घर पे। कैश लेना चाहिएगा तो कैश भी, फाइनेंस लेना चाहिए तो फाइनेंस। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान तो अभी जैसे मोबाइल है, कुछ दिन में टीवी, फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, जो भी नेसेसरी आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ईएमआई जो होता है किस किस बैंक से टाइप है? बजाज से है, डीएमआई 16 तो है ही अपना सैमसंग का, बस ये तीन ब्रांड से अभी है। मोबाइल के साथ में फ्लिप कवर रहेगा, ठीक है, और उसके बाद एक चार्जर भी है उसके साथ में, और टेम्पर फ्री में है। सेल एंड सर्विस कैसे प्रोवाइड करिएगा? सेल एंड सर्विस तो मैं यहीं से दूंगा, ठीक है, सेल भी यहीं मिलेगा और सर्विस भी आपका यहीं मिलता है। कितना दिन में बनके तैयार हो जाएगा कि इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो रिटर्न होगा या नहीं होगा? हाँ, रिटर्न जरूर होगा 14 दिन के अंदर। सबसे पहली बात, 14 दिन के अंदर यदि सेट में आपको कोई फॉल्ट दिखता है, ठीक है, तो बाई काउंटर आपको नया सेट यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। रिपेयरिंग कितना दिन में हो जाएगा? रिपेयरिंग 2 से 3 दिन। सर, नए नए मोबाइल का वेरियंट है, नए नए मॉडल है, उसके साथ साथ एसेसरीज भी है, तो भैया एसेसरीज में क्या क्या लेकर आए हैं लोगों के लिए? एसेसरीज में आपको ब्लूटूथ है, एयरफोन है, रियलमी का हो जाएगा, ओप्पो का, वीवो का, जो भी मतलब एक रनिंग ब्रांड है हमारे पास, वो सब चीज अवेलेबल है उस कंपनी का। अच्छा, बाहर के जितने भी शोरूम है सैमसंग का, उससे कैसे आप देने वाले हैं, उससे ज़्यादा कम कैसे देने वाले हैं? नहीं, उससे ज़्यादा ही सर्विस मैं दूंगा, उससे बेटर सर्विस देने का मैं वादा करूंगा। जो भी देते हैं मैं उनसे वादा करूंगा कि एक बार आकर मेरे दुकान विजिट कीजिए, आपको जरूर उससे बेटर मिलेगा। एक बार ऑफर की बात किया जाए तो जैसे सब मोबाइल पे आपको आपका फ्लिप मिल रहा है क्या? हाँ, सभी मोबाइल, सभी मोबाइल। तो कितना का फ्लिप रहता है ये? 1500 से 2000। आपने ये भी बोला कि टेम्पर ग्लास भी लगाते हैं इसके साथ साथ, तो टेम्पर ग्लास कितना तक आ जाता है? टेम्पर ग्लास 100 से 200 का टेम्पर ग्लास। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये जो टेम्पर ग्लास है ये कर्व टेम्पर ग्लास है, ये नॉर्मल मोबाइल में आपको दिखेगा कर्व डिस्प्ले,